स्पेशलिटी हॉस्पिटल दत्तवल नालागढ़, मॉडर्न वेल इक्विप्ड ओटी आईसीयू इमरजेंसी लिथोट्रिप्सी एंड फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायने सर्जरी एंड अदर सर्जरी ऑल्सो। नालागढ़ में हनुमान जोहड़ी मंदिर के लिए रास्ते को लेकर मंदिर के पुजारी का आमरण अनशन का आज दूसरे दिन में प्रवेश। नालागढ़ के जंगल महंत बाली में प्राचीन समय से हनुमान जोहड़ी के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर आज तक सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और जो है वह न के बराबर है। मंदिर को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए नालागढ़ का युवक दीपक कुमार पिछले करीब 4-5 सालों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन मंदिर को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, जिसके तहत मंदिर पुजारी दीपक कुमार नालागढ़ में अपनी दुकान के अंदर आमरण अनशन पर बैठ गया, जिसका आज दूसरा दिन है। दीपक कुमार ने कहा कि जब तक मंदिर को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिल जाती तब तक आमरण अनशन पर बैठा रहेगा। जंगलात विभाग के DFO ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी जमीनी दस्तावेज देखकर ही कोई कार्रवाई की जाएगी। हमें प्राचीन मंदिर श्री हनुमान जोड़ी मंदिर में मैं सेवादार हूँ पिछले 8 साल से, और वहाँ पे पानी की समस्या, लाइट की समस्या, रास्ते की समस्या ये है कि रास्ता तो है, छोड़ा है, कोई पेड़ भी नहीं है, और हर शनिवार वहाँ पे भंडारा होता है, जो सेवादारों को तकलीफ होती है, जो श्रद्धालुओं को पहुंचने में दिक्कत होती है, हर शनिवार श्रद्धालु वहाँ पे 200-300 होते हैं, तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मुझे ये अनशन पे, अमरन अनशन पे बैठना पड़ा। अनशन पे तो अभी बाबा जी बैठे हैं, लेकिन अगर ये हमारी समस्या नहीं किसी ने सुनी तो श्री हनुमान जोड़ी के 1347 सेवादार है, वो सारे के सारे अनशन पे बैठेंगे। नहीं, मेरे पास तो ये आज पहली बार आए हैं, इसके लिए वहाँ के मंदिर के रेवेन्यू पेपर मांगे जा रहे हैं, उसको देखने के बाद ही रास्ते के बारे में कुछ बताया जा सकता है कि रास्ता कैसे बन सकता है लोगों की आस्था, अगर वो कागज में रेवेन्यू रिकॉर्ड में है मंदिर। सर, लोगों को ऐसा मानना है कि बहुत प्राचीन मंदिर है, मानना तो होगा ना, लेकिन वहाँ कागजों में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। नालागढ़ से एन स्टार ब्यूरो रिपोर्ट।